बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उन्होंने निजी अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाने और सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से कोरोना संक्रमित मरीजों से फीस लेने की मांग की है। जिला अध्यक्ष के मुताबिक कोरोना महामारी के इस विपरीत समय में भी निजी अस्पतालों को केवल अपनी कमाई ही सूझ रही है। पैसा चेक से ले रहे हैं और बाकायदा रसीद दे रहे हैं और बोल रहे हैं जहां जाना है वहां जाके शिकायत कर दो, तो ऊपर लेवल पर सेटिंग है। कहीं ना कहीं सरकार की सहभागिता इस पूरे कार्यक्रम में दिख रही है। बड़े दुख की बात है, एक तरफ गरीब आदमी की जीवन बचाने की बात है, दूसरी तरफ निजी अस्पताल के माध्यम से लाख करोड़ों रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। मैं समझता हूँ एक एक बड़े अस्पताल आप जाएंगे, क्या MMI हॉस्पिटल हो, क्या नारायणा हो, क्या रामकृष्ण केयर हो, तो एक एक दिन का 2-2 करोड़ रुपये कलेक्शन आ रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन आप बाकी जगह जाएंगे मेडिकल स्टोर में आपको नहीं मिलेगा। इनके देखिए, मैंने वैसे पहले भी इनको नोटिस दिया हुआ है और मुझे याद है कि एक नाम तो याद नहीं आ रहा, पर मैंने एक हॉस्पिटल का लाइसेंस एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया था। लेकिन फिलहाल ये है कि रेमडेसिविर की बहुत ज़्यादा कमी है अपने यहाँ, और वही बात ऑक्सीजन के लिए भी है। हालांकि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो गई है, लेकिन रेमडेसिविर की प्रॉब्लम अभी भी है, और यही वजह है कि जब शॉर्टेज हो।